एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हसायन में स्थित कानऊ गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर है। लगभग 11,000 की आबादी व 4,000 वोटरों द्वारा बिमलेश देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 1100 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 160 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 4 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 200 विद्युत पोल, 4 विद्युत ट्रांसफार्मर व 40 स्ट्रीट लाइट भी लगी हुई हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 600 मीटर सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 185 इज्जत घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 आवास व 3 लोहिया आवासों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। प्रधान पुत्र हूँ, मेरा नाम जितेंद्र है। मेरी ग्राम पंचायत कानू, नया पंचायत कानू, और मेरा ब्लॉक हसायन और मेरा थाना हसायन, तहसील सिकंदरा राव और जिला हाथरस। मैंने अपनी पंचायत में मतलब इंटरलॉक ईंट की मतलब टेल बिछवाई है और मैंने नरेगा से भी काम करवाया अपनी पंचायत में। 185 शौचालय बनवाए हैं मैंने अपनी पंचायत में और आवास भी मिले हैं 3 लोही आवास पहले और प्रधानमंत्री आवास भी मिले हैं। और मैंने नरेगा के अंतर्गत 1 चक्रोट पेमेंटी करवाई और कुछ भूल स्वाप करवाई। ये काम मैंने अपनी पंचायत में करवाया है। आगे मैं चाहता हूँ कि मुझे अपनी पंचायत के लिए जैसे एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल नहीं है। एक बैंक की आवश्यकता है, यहाँ कोई बैंक नहीं है। और यहाँ पे पानी की स्थिति ज़्यादा ख़राब है क्योंकि यहाँ कोई पोखर नहीं है। अब जब पोखर नहीं है तो हम कहाँ के लिए नाली नहीं बना सकते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में ये पोखर कहीं हो और पास, तो वहाँ पोखर में नाली का पानी जा सके। दूसरी समस्या ये है कि जैसे हमारे गांव में नभवी का चरागा है कागज में, वो चरागा नहीं है मतलब मौके पे, वो सब कब्जा मुक्त कराई जाए। और मैं चाहता हूँ कि जैसे पैसा जो आ रहा है ग्राम पंचायत के लिए वो सही है, पर और थोड़ा बढ़ाया जाए तो जिससे विकास और तेजी से किया जाए। इसलिए कि पंचायत बड़ी है और पैसा कम है।